सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दुनिया के मशहूर म्यूजिशियन में शुमार एआर रहमान इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में स्लमडॉग मिलियनेयर के 10 साल पूरे होने पर एक इवेंट हुआ था। इसमें रहमान की बेटी खादिजा भी पहुंची थी। उन्होंने बुर्का पहन रखा था। स्टेज पर पापा के करियर पर बात करते हुए खादिजा भावुक हो गई थी। इवेंट के बाद खादिजा के बुर्के में आने को लेकर सोशल मीडिया में बहस देखने को मिली। दुनिया के बेहतरीन म्यूजिशियन को अपनी जिंदगी में बेहद संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। बहुत से लोगों को पता है कि एक खास वजह से उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। पहले रहमान का नाम दिलीप कुमार था। एक चमत्कार के चलते उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था। रहमान ने कहा था, मेरी माँ हिंदू धर्म को मानती थी, लेकिन उन्हें सूफी संत पीर करी मुल्ला शाह कादरी पर काफी यकीन था। जब 23 साल की उम्र में उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी तो मेरी माँ सभी को लेकर इस्लामिक धार्मिक स्थल पर गई और इसी से चमत्कार हुआ। मेरी बहन की सेहत में सुधार हुआ। रहमान ने कहा था, इसका मेरे ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया और इस्लाम स्वीकार किया। मैंने मेरा नाम अल्लाह रखा, रहमान रख लिया। बता दें कि अब सिंगर को एआर रहमान के नाम से जाना जाता है। रहमान के मुताबिक, मुझे समझ आ गया था कि एक रास्ते को चुनना ही सही है। सूफिज्म का रास्ता मुझे और मेरी माँ दोनों को बहुत पसंद था, इसलिए हमने सूफी इस्लाम को अपना लिया था। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज।